रेस्टोरेंट आप सभी को जय मसीह की। हमको एक घटना जो कि देखने के लिए मिल रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर फिर से जो कि एक जगह पर हमला हुआ है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में, जो कि पिछले समयों के दौरान हमने देखा था ऐसे कई गांव में जो कि मसीह लोगों को सताया जा रहा था, और जो कि क्रिसमस के समय के दौरान जो कि ऐसी कई सारी घटनाओं हमको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद फिर से ये हमला हुआ है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही हमला हुआ है, जो कि अभी हम देख रहे छत्तीसगढ़ के अंदर मसीह लोगों को जो कि सबसे ज्यादा सताया जा रहा है। इस पर जो कि वहां के सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है, जो कि उसको देखना चाहिए। वहां के सारे मसीह लोग जो कि इस पर आवाज उठा रहे हैं, वहां के सारे लीडर्स जो कि बात कर रहे हैं, लेकिन तो भी जो कि सताव जो कि बढ़ता जा रहा है। हम सभी मसीह लोगों को एक साथ रहकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है, एक दूसरे को साथ देना है। यदि प्रियो हम उनसे दूर हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उनको बचाए, परमेश्वर उनको हिम्मत दे, इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों। जो कि ये घटना गोरा गांव करके नारायणपुर जिले में जो कि वहां छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई है, ये घटना जो कि रविवार के दिन जो कि अभी अभी हुई है, जो कि एक जगह पर मसीह लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने वाले थे, वहां पर जो कि सभी लोग गए, और क्या होता है कि कई सारे लोग जो कि लगभग 400 से 500 लोग जो कि आर्टिकल के अंदर जो कि बताया जा रहा है, मैं आपके सामने भी शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जो कि एक आर्टिकल के अंदर ऐसा लिखा है, जो कि 400 से 500 से अधिक लोग जो कि वहां पर आए थे और मसीह लोगों पर जो कि लाठियों से हमला किया और उनको मारा, और एक पुलिस को भी जख्मी हो गए, इस तरह से जो कि बताया जा रहा है। तो ऐसी घटना जो कि हमको फिर से नारायणपुर में जो कि देखने के लिए मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां के मसीह लोगों को इस तरह से जो कि किया जा रहा है, इस तरह से हमको न्यूज देखने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर के वचन ऐसे कई सारे सबूत देते हैं कि अंत के समय के दौरान जो कि मसीह लोगों को सताया जाएगा। तो वचन कहता है अंत के समय के दौरान ये सारी घटनाएं होंगी, लेकिन हमको स्थिर रहना है, अपना विश्वास को मजबूत बनाना है, चाहे विपत्ति आए, चाहे संकट आए, लेकिन हमको मसीह में स्थिर बनना है, विश्वास योग्य बनना है। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, सभी मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।